दोनों का इश्क भी ना सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा मतलब है कि ज़ारा और कबीर देखो ना, जब दोनों साथ में थे तब भी प्यार के दर्द में रोते रहते थे, और अब जुदा हो गई है कबीर की ज़ारा, फना हो गई है, आपको नहीं पता। तो देखो ना कबीर ने अपना क्या हाल बना रखा है रो रो के। फना हो गई ज़ारा, अकेला पड़ा कबीर। बीवी के गम में कबीर का दर्द दिल। ज़ारा की शोक सभा में बहे कबीर के आंसू। ज़ारा कबीर की अटूट जोड़ी आज टूट गई है, और इस बात का गम कबीर की आंखों में आंसू बनकर सामने आया। ज़ारा की शोक सभा में मायूस बैठे कबीर ज़ारा के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर रहा है और उस तड़प को महसूस कर रहा है। कबीर उस दौर से गुजर रहा है, वो अभी समझ रहा है कि ज़ारा इज नॉट देयर, शी हैज गॉन फॉरएवर, तो वो उस दर्द में है अभी। एक तरफ ज़ारा को लेकर कबीर दर्द में जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कबीर के पापा और रुखसार उदास होने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़ारा के मौत के असली गुनाहगार ये दोनों ही हैं। सिर्फ अब्बू और रुखसार जानते हैं कि ये सब कुछ करवा कर किया गया है। वैसे रुखसार, अभी ज़ारा की डेड बॉडी मिली नहीं है, और हमें यकीन है कि ज़ारा कबीर की प्रेम कहानी की इतनी सैड एंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए जब ज़ारा की वापसी होगी तब वो आपको गिन गिन कर आपके गुनाहों की सजा देगी। मुंबई से श्रुति वर्जात्या के साथ आज तक ब्यूरो।